ये देखो हमारा सिम्बा क्या देख रहा है। सिम्बा क्या देख रहा है बेटा? हाँ क्या देख रहा है? कुछ दिख रहा है वहाँ पे? हाँ क्या देख रहा है बेटा? हाँ सिम्बा। और यहाँ पे देखो कयूम के लिए मैं उसने बोला मुझे गर्म करके दे, मुझे ठंडा नहीं खाना क्योंकि मैंने जल्दी बना लिया था। कल से तो इंशाल्लाह देर से ही बनाऊंगी। कयूम के लिए हाँ माँ हाँ हाँ सो माँ सो हाँ माँ कॉलेज माँ हाँ माँ हाँ क्या बोला तू? हाय गाइस खाना खा लो। चलो वो खाना खाने बैठ रहे तो सबको बोल रहे हैं खाना खा लो। चलो तो हम भी खाना खाने बैठ रहे तो चलो आप सब भी। अभी कितने बजे मम्मा? अभी बज रहे कुछ साढ़े दस। घड़ी नहीं रखी अभी तो। साढ़े दस ग्यारह बज रहे होंगे। दस। हाँ बस तो हम बैठ रहे खाना खाने। चलो हम खाना खा लेते हैं। ये इसका फैन है ना इसलिए अभी तक आया नहीं हो। फैन नहीं है फ्रेंड है। फ्रेंड हाँ फ्रेंड है ना तो अभी तक आया नहीं है। देखो इंशाल्लाह कल आ जाएगा सब। यहाँ पे होल की भी पूरी रोप लाइट आ चुकी होगी। आप देखना सबसे बढ़िया वो लगेगी होल की क्योंकि ये पूरा आर्किटेक्ट का काम मैंने किया है। ये जो पूरा काम है ना बस वो मैंने सजेस्ट मैंने करवाया है। हाँ, किचन हाँ, इस तरह से होगा। सही है सही बात है सब उसने सब किया है। कलर वलर पसंद ये सब लाइटिंग का काम वो सब उसने किया है। आइडिया मेरा था करवाया भी उसने ही है। पहले तो मम्मी ने उल्टा फुल्टा कर दिया था। हाँ पूरा पर बाद में ऐसे बैठी थी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। पहले ऐसे बैठ के सोचने और बाद में कयूम ने और सोफिया ने सोचा ये जो सेहरी। और ये भाई की हमारे गुजरात के फेवरेट फाफड़ा फाफड़ा जो जेठालाल में आप देखते ही हो फाफड़ा जलेबी। फिर सिर्फ हम जलेबी नहीं खाते बस इतना ही है बस यही। बस चलो सेहरी करके बाद में आपको मिलते हैं। हमारा टाइगर भी जब सेहरी करने के लिए हाँ। और ये हमारा सिम्बा सुबह सुबह इसको मस्ती सूच रही है। देखो काटने के सिलाई उसको आता ही नहीं है कुछ। देखो मम्मी उसके लिए चाय बना गरम किया गरम कर रही है। और अभी सब हाँ अभी सब नाश्ता हम सब ने कर लिया मैंने ने सोफिया ने। और अभी अब अम्मी बैठेगी नाश्ता के लिए। उसको सुबह सुबह नाश्ता तो अच्छा नहीं लगता सिर्फ चाय पिएगी एक रोटी और सिर्फ दही बस। वो भी दही खा रहा है हमारा। और देखो सिम्बा भाई भी हमारा दही खा रहा है। अच्छा तो जो
देखो हम दोनों में और टाइगर दोनों लहसुन फूल रहे और मसाला तैयार कर लहसुन ने कुछ हिंदी में लहसुन 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 तो शाम की तैयारी कर रही है अभी अभी बिल्किस भाई मुझे हेल्प करने लगेगी और साफ सफाई करने लगेगी हम दोनों बहने बन दोनों साथ में हो जाएंगे तो भी घर साफ बस और शाम को खाना तो बनाना है फिर भी अभी कितने बजे सूफी देख दो बजे देखो बिल्किस भाई का छोटा सा फोन में उसने टाइम भी देख लिया कि कितने बजे आज फिर से मेरे भजिए हो रहे प्याज के क्यों मम्मा हाँ सोफी के भजिए हाँ इफ्तारी में हर रोज चाहिए मुझे तो और आलू वाले और चार पांच टाइम के लिए समोसा समोसा और ये लौकी की खीर लौकी बोलते हैं इसको हाँ दूधी हम दूधी बोलते ये हिंदी में लौकी बोलते फिर हम भजिया काट लो जरा बड़ी क्या समाल हाँ ये देखो हमारी सोफी बोल रही कि मम्मी दे मैं भी करने लगू तो देखो ये हमारी सोफी कर रही है मुझे पसंद है तो मुझे सीखना भी पड़ेगा ना हाँ मुझे मेरी मम्मा की हाथ के मुझे अच्छे लगते बट मैं आज ट्राई कर रही हूँ हाँ सोफी ट्राई कर रही है और जैसे बेटियों को तो सीखना अच्छा है क्योंकि वो सीख ले क्योंकि और बोलते हैं दिल का सुकून पेट से वैसे तो दिल का सुकून पेट से होता है जो पेट का पेट में सब सुकून से रोटी देना उसमें सुकून बहुत मिलता है और ये जो खाना है ना ये पेट का सुकून है सही है ना सोफी सही हाँ तो सोफी को भी बहुत सारा मसाला सब कुछ आता है नॉर्मल सब आता है हाँ नॉर्मल एक रोटी बस एक रोटी का मत बोलो रोटी का मत बोलो मुझे आती तो ये मसाला कर देती है कहीं को लेकिन मैं ना हो तो या बिल्किस भाई ना हो तो कर तो मैं सब लेती हूँ एक दिन सोफी बिरयानी बनाएगी बनाऊंगी ना तेरे साथ बनाऊंगी मुझे अकेले नहीं हाँ हाँ मैं रहूंगी ना तेरे साथ मैं सब तैयार करके दूंगी इंशाल्लाह बना के मैं दिखाऊंगी हाँ कच्चे सोफी के पति अभी कतरी वाले उतारने हाँ और ये खीर की है लौकी की और कल तो मैंने जल्दी पुलाव कर लिया था और पुलाव क्या था और क्या क्या था मैंने मिठाई में हलवा क्या था सूजी का हलवा हाँ तो वो जल्दी कर लिया था और बाद में खाया देर से तो कहीं बोला गर्म कर दिया तो मैंने सोचा कि मैं ये सब कर लूंगी अभी बाद में देर से ही पकाऊंगी तो कई और सोफी को बाद में गर्मा गर्म चलो बस इफ्तारी का टाइम हो रहा है अब हम इफ्तारी करेंगे क्यों माँ हमारे सिम्बा भी रोजा लिया है दो तक तीन तक का रोजा हाँ सिम्बो जा तो दे हमारा सिम्बा भी रोजा लिया है वो भी अभी रोजा खोलेगा सबकी आँख साथ में मेरी सोफी रोजे में थक जाती है हाँ सही
कोई देखो ये मम्मा भर देती है क्या क्या है मम्मा बाजू में ये क्या बने लौकी का लौकी की खीर खीर लौकी की खीर ये भजिए भजिए ये हमारे बाजू में रह रहे ना उसके लिए मम्मा भर रही है और कह रही है कि चा तू दे के आ तो अब मैं जाऊंगी बाजू में देने फिर इफ्तार का टाइम तो हो गया है वैसे भी तो अब जल्दी जल्दी जाऊं क्यों माँ खजूर चलो अब मैं जा रही हूँ देने और मम्मा दूसरा क्या लेके आई मैं सब थोड़ी पकड़ सकती हूँ दे लो खोल दो हाँ ठीक है चलो अब मैं जा रही हूँ बाजू में देने فبدأت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا टाइगर डैडी कहाँ पे है तेरे डैडी टाइगर टाइगर तेरे डैडी का नाम क्या है सिम्बा मम्मी का नाम सोनू है मम्मा का नाम क्या है तेरे स्नो वाइट कहाँ पे रहते हो जामनगर गुजरात सलाम करो मत सलाम करो सलाम किम करावे देखू सलाम कर लिया है रोटी बनाऊंगी रात को 11-12 बजे क्योंकि कहीं हमको अभी भूख नहीं लगी तो 9:30 बजे अभी तो घड़ी तो टाइम पे इफ्तारी हाँ घड़ी टाइम पे इफ्तारी हो गई है अब हम फ्री हो गए अभी बचे 9:30 बजे और हम 11:30 बजे खाना खाएंगे मैं बोला आज नहीं खाना मुझे सोडा पीनी है मैं देखूंगी मैं खाऊंगी तो खाऊंगी बोला तो तुम तो अभी हम जा रहे बाहर और बीच बीच में मम्मा बोल रही थी कि कोमेट आए तो कोमेट की भी बात अब हम कर लेते आपके साथ तो कोमेट अब ये कोमेट 2-3 बार आई है कि दीदी मुझे मिलना है दीदी मुझे मिलना है तो सोफी के साथ में उसको मिलना है तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक समीर पटनी और पता तो नहीं है रिलेटिव में भी नहीं है तो कौन है दीदी आपकी होटल का नेम क्या है तो मेरी भाई का होटल का नेम अलबेक है और कहाँ पे भाई आपकी बोल दो पूरा दरबारगढ़ के पास पाचट्री रोड मन्नत कॉम्प्लेक्स के सामने तो ये जामनगर में है और आप यूट्यूब में देखोगे तो पूरा वीडियो है अलबेक का तो अलबेक ही लिखा हुआ है ना हाँ वो वीडियो अलबेक जामनगर से है अलबेक जामनगर आप लिखोगे यूट्यूब पे तो उसका पूरा आ जाएगा दो लोग ने कुछ यूट्यूबर आए थे
मेरी होटल पे और बना के गए हैं और इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे। हाँ, आपके लिए बनाना है। वो कोई और सब्सक्राइबर हमारे थे कि जिसने बोला था, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगी, मैं पूरी अलबेग का विजिट करवाऊंगी। और अभी ये मैं आपको बता रही हूँ कि यूट्यूब में है, आप अलबेग जामनगर लिखोगे तो वीडियो भी आ जाएगा और गूगल में उसका एड्रेस भी आ जाएगा। और दूसरी रुखसार खफी, रुखसाना खफी, तो वो भी मैं पहचानती नहीं हूँ, रिलेटिव में भी नहीं है। वरना तो ऐसे होते हैं कि हमारे रिलेटिव ही हमें हमको मैसेज करते, तो नहीं, ये हमारे कोई नहीं है, वरना तो घर पे आ जाते ना। हाँ, तो ये कोई बाहर का हो। देखो रुखसाना खफी, आप ये लोग हमारा देखो, तो आप बड़े हो या छोटे मुझे पता नहीं, तो मैं आपको अभी आप ही कहूँगी। तो आप बाहर जामनगर में हो तो मैं भी आपको बोलना चाहूँगी कि अभी मैंने अलबेग का एड्रेस आपको दिया है, तो आप मेरी अलबेग पे आना, मेरी भाई की अलबेग पे, और वहाँ पे आओ तो किसी आदमी को बोलोगे तो मैं पक्का आपको मिलने आऊँगी। और आपने मुझे मैसेज किया है कि जामनगर माँ क्या रियो छो दीदी, तमने एक बार मलवू छे, एटले आप कहाँ पे रह रहे हो, मुझे आपसे मिलना है, ऐसे आपने मुझे मैसेज किया है। तो मैं इंशाल्लाह आपको घर का एड्रेस तो नहीं दे सकती, पर मैं ऐसे बोलूँगी कि मेरे भाई के अलबेग पे आप आओगे, किसी भी आदमी को बोलोगे तो मैं पक्का आपको मिलने आऊंगी। या तो कहीं रहेगा या तो इसके पापा होंगे या आदमी कोई आदमी भी है। हाँ, तो सोफे दीदी का नाम लोगे तो आपको कॉल करके सोफे दीदी आ जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह आपको मिलने आऊंगी। और आपने मुझे ये मैसेज किया है तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरे भी सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट है, तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। ऐसे ही कमेंट करो, हमारी पूरी फैमिली आपको मिलने आ जाएगी। आप वो टेंशन मत लो, आप होटल पे आ जाना, मम्मी भी आ जाएगी, भाई भी आ जाएगा। बस आप एक बार अलबेग का एड्रेस तो मैप में भी है और आप सर्च भी मार लेना। और जामनगर में ना हो, कभी जामनगर के बाहर हो या कोई और सिटी में हो, तो जामनगर अलबेग में आना, मेरा नाम लेना, मेरी मम्मा का नाम लेना, हम आपको मिलने आएंगे पक्का। कयूम भाई के नंबर भी है उसमें, यूट्यूब में ना कयूम, हाँ यूट्यूब में भी नंबर है और गूगल पे भी आप सर्च करोगे तो मेरा नंबर होगा। हाँ, तो कयूम भाई को कॉल करोगे तो सोफी दीदी से भी बात हो जाएगी आपकी। सही है, तो मैंने दो सब्सक्राइबर का मैसेज का आंसर दिया है, तो आप मेरा व्लॉग देखो तो बस ये आंसर है। और थैंक यू सो मच, और सभी कॉमेंट माशाल्लाह अच्छे, तो सभी को थैंक यू। और ये है कॉमेंट, में पूरा नहीं ले सकी, आई एम बिगेस्ट फ्रेंड लिखा हुआ था, थैंक यू रुखसाना। और देखो हम ठंडा पी रही थी और मैं और भाई, मेरे हमारी मस्ती चल रही थी साथ साथ में, और माशाल्लाह पी लिया ठंडा भी और मम्मा ने भी पी लिया। देखो आधा भाई को दे रही है, ठंडा पी लिया बाहर जाके, जो माशाल्लाह हम आ गए ठंडा पी लिया। चल हम यहीं से कर रहे हैं, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, सही है, और खास करके दुआ में याद रखना। अब मेरी हंसी एक बार स्टार्ट हो गई, अब नहीं बंद होगी, ये ना ऐसे बोलते इससे मुझे हंसी चढ़ गई है। आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह अल्लाह हाफिज।